हाईकोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म। जिन रेस्टोरेंट सिनेमाघरों की पार्किंग नहीं उन्हें सील करने का इंदिया। रेलवे ने खेलों के मैदान आबाद न किए तो अदालत टेक ओवर कर लेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा कि घरों में रेस्टोरेंट बन गए, आपके लोग मिले हुए हैं। DGLDA सब कुछ कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। इंसदाद समूह केस की आइंदा समाप्त 24 जुलाई को होगी। गिराम फरोश में लगाम, गरीब सफेद पोश तबके का काम तमाम। दूध दही मटन बीफ दालें चावल की जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। दूध दही 15 से 30 रुपए जायद रेट पर फरोख्त। मटन बीफ के दाम भी बढ़ा दिए गए, बीफ 200 और मटन 500 रुपए तक महंगा फरोख्त। दालें और चावल की कीमतें भी बेकाबू। लाहौर के 20 मुकामात पर मेन सीवरेज खराब। गुलशन रावी, सब्जाजार, समनाबाद, बंद रोड, शाहदारा शामिल हैं। ग्रीन टाउन, एस ब्लॉक, मॉडल टाउन, अकबर शहीद चौक का सीवरेज भी बरसों से तब्दील नहीं हुआ। MD वासा ने आइंदा मसाइल से बचने के लिए सीवरेज बदलने की तजवीज दे दी। सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। 2 अरब 33 करोड़ से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को गाड़ियां मिलेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन नए डाले आएंगे। वजीर आला पंजाब के मेहमानों के लिए एनेक्सी की तामीर जारी। 12 करोड़ 61 लाख का लग्जरी फर्नीचर खरीदा जाएगा। एक बेड की कीमत 5 लाख, खाने की एक मेज 10 लाख की होगी। PKLI के लिए 10 अरब रुपए जारी। ग्रांट सरमायाकारी और मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए मिली। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर ब्लॉक की मुरम्मत का भी फैसला। OPDs को जदीद बनाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ 1 माह से सरापा एहतजाज थे। तालीमी बोर्ड्स का पासिंग मार्क्स 40% करने पर बाकायदा इत्तेफाक। रिजल्ट कार्ड पर डिवीजन के बजाय पंजाब बोर्ड लिखा जाएगा। तमाम बोर्ड एक ही रोज में बच्चों के रिजल्ट कार्ड जारी करेंगे। लाहौर बोर्ड में डेली वेजर मुलाजमीन के भर्ती ठेके पर देने का भी फैसला। निजी कंपनी 200 मुआवनीन भर्ती करेगी। कैंट कचहरी में 2 हफ्तों से बिजली बंद, जनरेटर्स भी जवाब दे गया। अदालती और इंतजामी अमूर शदीद मुतासर। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। रिकॉर्ड रूम, रजिस्ट्री, स्कैनिंग रूम, इंतजामी दफातर में अमला मौजूद, बिजली गायब। जजेस वकला और साइलिन बेहाल। अस्करी चावल, जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ का मामला। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। असद उमर को भी मजीद 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मिल गई। चौधरी परवेज इलाही को अदालत ने फिर से तलब कर लिया। जेल से 26 जुलाई को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। FIA ने नामुकम्मल चालान पेश किया। शरीक मुलजमान मोनिस इलाही और जिब्रान खान से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश नहीं की। अदालत ने तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। चरणदीन रोड, जोहर टाउन का सीवरेज सिस्टम खराब। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से मुश्किलात। अहले इलाका सुनवाई न होने पर वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। मारूफ बिजनेसमैन अजहर हसन से 5 करोड़ भत्ता लेने का ड्रॉप सीन। CIA कैंट पुलिस ने भत्ता मांगने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम इकबाल उर्फ शहजाद अजहर हसन का सोतेला भाई निकला। भत्ता न देने पर फैमिली को मारने की धमकी दी। बड़े दरबारों पर ऑनलाइन सदकात और अतियात के लिए वेबसाइट की मंजूरी। दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजारात के लिए वेबसाइट बनेगी। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह समेत दीगर मजारात शामिल। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। PITB को टास्क मिल गया।
अजमेर शरीफ के सजादा नशीन की चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। कतरी वफ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस के आ ख्वाजा पीर सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती, शेख मोहम्मद और शेख उमर बादशाह शामिल। बादशाही मस्जिद में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अमन कॉन्फ्रेंस, खतीब और इमाम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फिक्र के जैयद उलमा कराम और मशाइख की शिरकत। सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर का भी इजहार ख्याल। DIG अली नासिर रिजवी भी शरीक थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमाए कराम के वफ्द की मुलाकात। अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर क़यादत वफ्द में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम शामिल। उलमा ने मुहर्रम के दौरान पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा। IG ने तमाम उलमा को शोहदा वॉल का दौरा भी कराया।